हेलो, माय लास्ट फिनिशिंग थर्ड पार्ट टू बी कंटिन्यू। अच्छा, ये मैंने जो मैंने इसमें बॉल्स तली थी, यानी कोफ्ता तला था, तो उसमें प्याज के छोटे छोटे क्रम्स आ गए थे, तो उनको मैंने छान लिया और छान के उस तेल को मैंने फिर से उसको वो कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी, इसको धीमा कर लूँगी, और इसमें मैं डाल रही हूँ खड़ा गरम मसाला। और अब मैं डालूँगी इसमें, मैंने दालचीनी भी डाल दी है और सब। अब मैं इसमें देखिए, मैंने जो मसाला पीस लिया था वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और एक चम्मच ये मैं नमक भी डाल रही हूँ। मैंने हम हल्दी नहीं डालते इसमें, मैं अपना यूज नहीं। देखिए मेरा मसाला। और अब मैं इसमें ये धनिया, ये पिसा धनिया और लाल मिर्च भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा हाई कर लूँगी और इसमें जो मेरे मसाले का ये बच गया था, इसको मैं फिर से इसमें डाल देती हूँ ताकि मेरा मसाला वेस्ट ना हो। और ये इसमें ये देखिए, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, अब मैंने इसको डाल दिया है। ये देखिए, मसाला तो आपको यमी लग ही रहा है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा पहले हाई फ्लेम पे कर देंगे, फिर इसको लो पे, ताकि मसाला ठीक से भून जाए। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब मैं आपको बिल्कुल लास्ट दिखाऊंगी, क्योंकि आप भी थक जाओगे, कहेंगे कि ये बार 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 बार, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा मसाला भूनने में। इसलिए जब ये मेरा ये रेडी हो जाएगा और तब मैं आपको अपना फाइनल मीट बॉल यानी कोफ्ता करी दिखाऊंगी, और आप उसको फिर बताइए, एंजॉय करिए। ठीक है, अभी मैं मसाला भून रही हूँ, अभी मसाला भूनने में तो टाइम लग रहा है, देखिए। ठीक है ना,